नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का ये जो गोचर है, मकर राशि में जो शनि देव आए हैं 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक, ये ढाई साल दोस्तों वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसे रहेगा। दोस्तों शनि जो है ये कर्म कारक ग्रह है। आपका कर्म किस लेवल पे कर्म है वो शनि बताता है। आपकी कुंडली में शनि जो है मित्र राशि के हैं कि शत्रु राशि के हैं, कि आदि मित्र में हैं कि आदि शत्रु में हैं, शनि कौन से नक्षत्र में हैं, वो मित्र के नक्षत्र में हैं कि शत्रु के नक्षत्र में हैं, वो दोस्तों यदि शनि की पोजीशन बेटर है और आपका कर्म अभी तक अच्छा नहीं हुआ है दोस्तों, तो शनि आपको एक दिन, शनि जिस लेवल पर आपकी कुंडली में है उस लेवल पर आपको जरूर पहुंचाएगा। दोस्तों वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि आपके तीसरे घर से गोचर कर रहा है, जो कि ये त्रिएकादश का योग बनाता है। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल ढाई साल का पीरियड जो है वो काफ़ी अच्छा समय जो है वो व्यतीत होगा। अब दोस्तों इसमें देखेंगे दोस्तों कि शनि की तीन दृष्टि है और शनि जो है तीन नक्षत्र को ऑपरेट करेंगे, तो उसका क्या फलादेश है वो आप देखिए। तो शनि की दोस्तों तीसरी दृष्टि जो है आपके पाँचवें घर पे पड़ रही है, जो कि पाँचवें घर पर वहाँ पर मीन राशि है। तो दोस्तों कुछ एजुकेशन में थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, या जैसे आपकी पढ़ाई में मन लग रहा था उसमें थोड़ा सा कुछ कहीं कमी रहे, बाकी बहुत कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मीन राशि है, गुरु की राशि है और शनि और गुरु एक दूसरे के मित्र हैं, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको पाँचवें घर से जुड़ा हुआ नहीं होगा यदि आप एजुकेशन में होंगे तो। लेकिन यदि आपके जो है बच्चे हैं संतान से रिलेटेड देखेंगे तो पांचवा घर जो है संतान का भी है, तो संतान में जो है कुछ प्रॉब्लम जो है उनको करियर वाइज जो है आपको कुछ जो है देखना पड़ सकता है प्रॉब्लम, लेकिन बहुत कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों कि शनि की जो है सातवीं दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर पड़ रही है, जो कि दृष्टि जो है सातवीं दृष्टि दोस्तों खराब मानी गई है, लेकिन दोस्तों भाग्य के ऊपर जो है शनि की दृष्टि जो है कर्क राशि है वहाँ पर जो है, तो आपके भाग्य को जो है ये बढ़ाएगी, भाग्य को खराब नहीं करेगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये आपके कुंडली में 9th हाउस का स्वामी जो है वो लग्न में रहेगा, क्योंकि आपके वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है, त्रिकोण योग बनेगा, इसलिए ये सातवीं दृष्टि जो है शनि की दृष्टि खराब होने के बाद भी जो है सातवीं दृष्टि का निगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा और आपको जो है भाग्य का जो है सहारा मिलेगा और भाग्य आपका बढ़ेगा। दसवीं दृष्टि दोस्तों आपकी कुंडली में दसवीं दृष्टि बारहवें घर पे पड़ रही है। यदि आपका कोई प्लान था बाहर जाने का, या आप एजुकेशन में हैं तो बाहर जाके एजुकेशन में प्लान आपका था, तो आप बाहर जो है जा सकते हैं, क्योंकि बारहवां घर जो है बाहर का भी घर है। अब बारहवां घर जो है दोस्तों हॉस्पिटल का भी घर है, लेकिन हॉस्पिटल और जेल का भी घर है, लेकिन हॉस्पिटल और जेल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि जो है उच्च की दृष्टि से बारहवें घर को देख रहा है, इसलिए कोई भी पॉजिटिव काम आपका बनेगा, निगेटिव जो है नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपका एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो जा सकते हैं, या आपको दोस्तों कोई भी जो है बाहर का, यदि आप जॉब में हैं तो बाहर से कोई भी आपको ऑफर मिल सकता है जो है आपको जो है फॉरेन जाने का, या आप इंडिया में ही जहां हैं वहां से दूसरे स्थान पर जॉब का आपका ऑफर आ जाए, जो कि वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो दोस्तों तीन दृष्टि हो गई। अब दोस्तों इसमें तीन नक्षत्र है, तो तीन नक्षत्र है दोस्तों। तो पहला जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है, जो कि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 महीने के हिसाब से शनि जो है शुरू के 10 महीने में सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य जो कि आपके कुंडली में दशमेश है, दशमेश होने से आपके कर्म को जो है वो बढ़ाएंगे दोस्तों, उसमें जो है कोई भी दिक्कत जो है नहीं होगी। दूसरी बात दोस्तों, शनि की जो है अब 10 डिग्री के बाद शनि जो है 23 डिग्री 20 कला तक जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य से, तो वो भी आपके भाग्य को जो है बढ़ाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोस्तों 23 डिग्री 20 कला के बाद, यानी कि 23 महीने के बाद
आखिरी का जो 6 से 7 महीने का पीरियड है दोस्तों, शनि जो है वो मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, जो कि मंगल आपका लग्नेश है और आपके कुंडली में मंगल षष्ठेश है। यानी आखिरी के 6 से 7 महीने में आपको हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ आपकी गड़बड़ होगी, और उस समय आखिरी के 6 से 7 महीने में आपको जो है वहाँ पर शनि की नीच की राशि है, तो कुछ हद तक जॉब में प्रॉब्लम आपको हेल्थ हो सकती है या हेल्थ वाइज आपको कुछ प्रॉब्लम हो, उस समय आखिरी के 6 से 7 महीने में आपको समय बहुत अच्छे से निकालना है, कहीं भी झगड़ा झंझट आपको नहीं करना है, क्योंकि जो है शनि मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। अब मंगल जो है लग्नेश और षष्ठेश है, लग्नेश षष्ठेश यानी कि रोग ऋण शत्रु आपके साथ में बढ़ जाना, इसलिए आखिरी के 6 से 7 महीना दोस्तों आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बाकी ओवरऑल वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए मकर राशि का शनि जो है काफ़ी हद तक जो है अच्छा फल देगा और आपको करीब 70 से 75% आपको रिजल्ट शुभ फल का जो है मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको कोई भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।